हेलो हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त एस के सागर यूपी बिजनौर टीम महेश शर्मा कानपुर uh, एक मिनट फ्रेंड्स uh, हम मीटिंग करेंगे आज बुलेटो प्रेजेंटेशन जैसा कि आपको पता ही है बुलेटो हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और बुलेटो की हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नियर डियर अपलाइन डाउनलाइन जहां भी आपका आ, आपके लोग हैं जो भी आपकी कनेक्टिविटी में व्यक्ति हैं आप इस लिंक को रेफर कीजिए उन्हें भेजिए जूम लिंक और मीटिंग में ज्वाइन कराइए क्योंकि प्रेजेंटेशन बुलेटो की होने जा रही है कल जो चीजें चेंज हुई हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा तो चीज़ें तो रात की जो मीटिंग थी उसमें समझ में आ ही गई होंगी लेकिन फिर भी एक बार हम रिमाइंड करेंगे तो आप ज्वाइन कीजिए फिलहाल अभी मैं अभी लूँगा और थोड़ा सा टाइम तो मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का ओके हमारे रेगुलर रेगुलर जो को होस्ट हैं प्लीज वो एक बार हैंडरेस कर लें अपना जो भी रेगुलर को होस्ट है हमारे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना हैंड रेस कर लें ताकि मैं उन्हें परमिशन दे सकूं तो मैं अभी परमिशन दे रहा हूं जी हमारे साथ में है संजीव कुमार संजीव कुमार जी आपको मैंने अनम्यूट परमिशन दी है तो बताएं जरा मेरी आवाज क्लियर है क्या फिर हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं संजीव कुमार जी बताएं जरा अपना माइक अनम्यूट करके मेरी आवाज क्लियर है क्या हेलो जी संजीव जी बताएं जरा आवाज क्लियर है क्या हाँ सर क्लियर है ओके है जी 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 थैंक यू संजीव जी फिलहाल अभी आप अपने माइक को जो है म्यूट कर लीजिए और जब आवश्यकता पड़ेगी तो अनम्यूट करके अनम्यूट करके आप बता दीजिएगा जो भी मैं आपसे पूछूंगा ठीक है संजीव जी बताएं जरा स्क्रीन आ, मेरी आ, स्क्रीन क्लियर है क्या स्क्रीन शो हो रही है क्या बताएं जरा संजीव जी स्क्रीन बताएं मेरी स्क्रीन क्लियर है क्या संजीव जी मेरी आवाज आ रही है आपको अनिल कुमार जी आप अनम्यूट हैं हाँ, आप बताएं जरा स्क्रीन क्लियर है क्या अनिल कुमार जी बताएं जरा स्क्रीन क्लियर है क्या मेरी हैंड्रेस क्यों करते हो भाई जब आप जवाब नहीं दे सकते मोहम्मद अली खान आप बताएं जरा मेरी आवाज़ आपको क्लियर है आवाज़ स्क्रीन दोनों चीज़ क्लियर है क्या बताएं जरा मोहम्मद अली खान माइक अनम्यूट अं कीजिए सर और बताएं जरा आवाज़ क्लियर है क्या मोहम्मद अली खान सर बताएं अपने माइक को अनम्यूट अं करके स्क्रीन मेरी क्लियर है क्या बात कर ली तू कृष्ण कुमार जी माइक अनम्यूट कर और जरा आप स्क्रीन में जस्ट मिनट फ्रेंड, कुछ टेक्निकल इशू है मोहम्मद अली खान जी बताएं जरा आवाज के लिए क्या मोहम्मद अली खान जी बताएं जरा आवाज़ के लिए मोहम्मद चलिए अमित कुमार जी आप अनम्यूट है बताएं जरा स्क्रीन क्लियर है क्या इनोवेशन क्लब मैंने आपको अनम्यूट परमिशन दी है बताएं जरा अपने माइक को प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए हाँ सर स्क्रीन क्लियर है ओके सर ओके okay. इतने सारे हैंड रेस मैंने अनम्यूट किए पता नहीं क्यों लोग हैंड रेस करके जो है मीटिंग पता नहीं क्या फोन एक तरह से ऐसी बात नहीं आती तो प्लीज आप जरा मुझे ठीक है, मैं पर पर देस्ट देस्ट देखे करता देखे काफी लेट हो ओके, ओके।, ओके। तो फ्रेंड्स एक बार फिर आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ अपने इस सेशन में सेवन पीएम सेशन में और गुड इवनिंग मेरी तरफ से आप लोगों को मैं आपका दोस्त एस के सागर यूपी बिजनौर पीएम महेश शर्मा कानपुर और आप सभी का एक बार इस सेवन पीएम सेशन बुलेटो प्रेजेंटेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है वेलकम है उम्मीद करूंगा आप सब लोग ठीक होंगे फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं इनोवेशन फैक्ट्री के इस बुलेटो प्रोजेक्ट की तो बुलेटो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है ना कि कोई कंपनी तो कंपनी तो इनोवेशन फैक्ट्री है उसी का यह प्रोजेक्ट है बुलेटो इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर अपना बिलीव अपना विश्वास क्यों है क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री एक तो वो टाइम कंप्लीट कर चुकी है जिस टाइम के अंदर बहुत सारी कंपनियां खत्म हो जाती हैं आज हम फोर्थ ईयर में चल रहे हैं तो वो टाइम हम लोग खत्म कर चुके हैं उतार चढ़ाव वाले दिन वो देख चुके हैं कल रात की मीटिंग देखने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी लोगों की तो फिलहाल मैं ज्यादा मतलब डीपली या ज्यादा उस तरह की बातें नहीं करूंगा मेरा टॉपिक सिर्फ आज की प्रेजेंटेशन पे है बुलेटो की तो मैं बुलेटो के बारे में बताना चाहूंगा बुलेटो इस कंपनी का फर्स्ट एंड थर्ड प्रोजेक्ट है पहला भी यही था और थर्ड नंबर प्रोजेक्ट भी यही है इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में देखिए हम कोई से भी प्रोजेक्ट में जाए हमारा जो एक उद्देश्य होता है वो पैसा होता अर्निंग होती अगर मैं बुलेटो की बात करूं तो बुलेटो के अंदर एक एक माह में लोगों ने बड़ा अच्छा पैसा यहां से कमाया है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है आने वाले टाइम में देखिए कि आपको यहां से कितनी बड़ी इनकम यहां पे होने वाली है क्योंकि बुलेटो की स्ट्रेटेजी बुलेटो की जो प्लानिंग है वो कुछ इसी तरह की बनाई हुई है और बुलेटो इनोवेशन फैक्ट्री का एक प्रोजेक्ट है और इनोवेशन फैक्ट्री के पास तकरीबन तकरीबन थर्टी प्रोजेक्ट हैं इन थर्टी प्रोजेक्टों की अगर मैं बात करूं तो एक से बढ़ एक यूनिक फीचर्स वाले प्रोजेक्ट हैं यहां पे चाह के भी कंपनी अपने आप को बंद करना नहीं चाहेगी अपने आप को समेटना नहीं चाहेगी क्योंकि तमाम प्रोजेक्टों के डेवलपमेंट में कंपनी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है कंपनी का जो विजन है कंपनी का जो मिशन है वो है लॉन्ग टाइम इस क्रिप्टो क्रेप्टो इंडस्ट्री के अंदर कुछ बदलाव लाने का अपने प्रोजेक्टों के माध्यम से अभी तक हम क्रिप्टो इंडस्ट्री को सिर्फ ट्रेडिंग समझते हैं खरीदते हैं बेचते हैं लेकिन न्यूटिलाइज हम कहीं नहीं देख पा रहे किसी भी टोकन या किसी कॉइन को कंपनी का अपना एक उद्देश्य है कि हमारी जो करेंसी है हमारी करेंसी कौन सी है बी करेंसी है हमारी करेंसी कौन सी है बेल भी आने वाले टाइम में जो क्रिप्टो टोकन के रूप में है कॉइन के रूप में आपका मदर कॉइन बी एफ कॉइन है तो कंपनी का उद्देश्य है तमाम प्रोजेक्टों के अंदर इन जो बी एफ कॉइन है उसकी यूटिलिटी देना उसका पेमेंट गेट भी देना ताकि क्रिप्टो यूज हो और आपको पता है ट्रेडिंग में डिमांड एंड सप्लाई का खेल है और यहां पर एक चीज और प्लस होती है और वो है आपकी यूटिलिटी तो यहाँ कंपनी का मेन फोकस है बी का यूज कराना इन फ्यूचर बी का यूज कराना अभी इनकी डिमांड आएगी क्योंकि यूज केस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेंगे बस हम लोगों का एक जो टाइम है वो है थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला टाइम होल्डिंग वाला टाइम क्योंकि होल्डिंग करने वाले ही बड़े प्रॉफिट यहाँ पर लेंगे और ले रहे हैं तो आने वाले टाइम में आप लोगों को मैं अक्सर अपनी मीटिंग में बोलता हूँ क्योंकि बिलअप की तरफ से लोग काफी थोड़े से उदास है तो यहाँ पर उदास होने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत जल्द आने वाली है एज पर रोड मैप ओके तो यहाँ पे बुलेटो की बात करो तो बुलेटो कंपनी का सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर या इस प्रोजेक्ट के चलने ना कल, चलने ना चलने से कंपनी खत्म नहीं होने वाली आपका पैसा खत्म नहीं होने वाला लेकिन स्ट्रेटेजी इतनी खूबसूरत है बुलेटो की कि हर बंदा चाहेगा यहाँ से पैसा कमाना क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा सा इन्व...

ओनर कह लो उन्होंने जमा के हम लोगों को यहाँ पर आ, क्या किया है जी सहारा दिया है स्ट्रेटेजी बताई है आ, अपनी कंपनी के डाउन एंड अपॉल बताए हैं प्रॉब्लम्स बताई हैं जो भी कुछ है आपके सामने यहाँ पर खोल कर रखा है और आपके बीच में रहकर आपको, आपको आपको जो है एक मतलब साहस बढ़ाया आपका सहारा दिया आपको ठीक है तो यहाँ पर यह बहुत अच्छी बात है अन्यथा तो बहुत सारी कंपनी के अंदर जब किसी प्लान को डाउनफॉल आता है तो एमडी एमडीसीएमडी पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं देखने वो भी नहीं मिलते वो ढूंढने से भी नहीं पता चलता वो है कहां कहा? तो यहाँ पर यह अच्छी बात है आप निश्चिंत रहे आप किसी इलीगल कंपनी के साथ में नहीं है लीगल वे आपकी कंपनी होने वाली है और बहुत सारे सर्टिफिकेट जैसे पीछे मीटिंग में बताया था आपकी कंपनी के पास अवेलेबल हो चुके हैं तो चलिए बात करते हैं हम बुलेटो की तो बुलेटो एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है बुलेटो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बुलेटो द क्रिप्टो मशीन वर्ल्ड एंड ओनली चेक क्या जी? सर्टिक वेरीफाइड कोमेट्रिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बुलेटो विश्व का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सर्टिक वेरीफाइड कोमेट्रिक्स स्मार्ट को अगर यहाँ पे मैं बात करूं जो यूजर्स हैं हमारे बुलेटो के सवाल आता है कि सर जी अगर ये डिसेंट्रलाइज है चेंजिंग तो ये डिसेंट्रलाइज है तो बार बार रुकता क्यों तो भाई अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग पे हम लोग हैं सॉफ्ट लॉन्चिंग पे का मतलब ये है कि कुछ अगर अभी कुछ चेंज करना है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो अभी भी आप एडिट नहीं कर सकते मगर यह है कि इस स्मार्ट कॉन्टेक्ट में चलाने के बाद ये पता चल सकता है कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसके भी है नया स्मार्ट कॉन्टेक्ट बनाए और फाइनली वो स्मार्ट कॉन्टेक्ट ऐसा हो जिसके अंदर कोई भी इशूज ना हो कोई भी कैलकुलेशन में कोई लफड़े जफड़े ना हो कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो फिर फाइनली उसे डिप्लॉ डिस कर दिया जाए तो फिलहाल अभी आपका सॉफ्ट लॉन्चिंग तो आप चल रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि कभी हमारा जो है बी बीबॉन्ड का बीबीटीसी हुआ कभी हमारे यूएसटी बी को हटा के बी को लगाने की तैयारी की जा रही है तो ये बहुत सारी चीजें हमारी बेहतरी के लिए यहाँ पर हो रही है बिटकॉइन का बढ़ता हुआ रेट देखा तो बिटकॉइन का जो अपना जो रेट बढ़ा तो उसके हिसाब से फिर एंट्रीज महंगी ना हो जाए इस वजह से जो बी बॉन्ड था उसे तोड़ के बीबीटीसी बॉन्ड बनाया गया तो यहाँ पर बुलेटो हमें सबसे पहले जानना होगा कि पहली चीज तो बुलेटो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको फाइनली वो मिल जाएगा डिसेंट्रलाइज है कंट्रोल में नहीं रहने वाला ऑनर आप होंगे यूजर आप होंगे सब कुछ आपके हाथ में रहने वाला है कितना लंबा चलाने का आपका मन है है ये पब्लिक के हाथ में है, कब इसे एंड करना है ये पब्लिक के हाथ में है कंपनी का या, इन्वॉल्वमेंट यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये आपका ऑटो मोड पर चलने वाला प्रोजेक्ट है यहाँ पे मैं बात करूं बुलेटो स्मार्ट कॉन्टेक्ट ऑडिटेड अच्छा ये मैंने बताया अभी वेरीफाइड बाय सर्टिक तो ये चीजें आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी सर्टिक की वेबसाइट पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं तो वहां पर प्रोसेसिंग में है स्मार्ट ओके वन एंड ओनली प्लान है बीटीसी में इसकी इनकम होने वाली है अभी मैं प्लान पर नहीं हूं अभी फिलहाल मैं कुछ फीचर्स बताने की कोशिश कर रहा हूं बीटीसी में इनकम होने वाली है 100 परसेंट डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स जैसा कि आप सेंटर में देख रहे हैं इसके जो स्ट्रक्चर है वो स्लॉट में है स्लॉट आप आसान भाषा में समझ लो बॉक्स टाइप है एट स्लॉट का स्ट्रक्चर है बेस इसके अंदर बी एफ आई सी यूएसडीबी अब हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमने कल रात की मीटिंग जो देखी है उमर सा उमर भाई की तो उसके बाद अभी हम जो उमर भाई ने बताया कि ट्वेंटी जो ये डेट आने वाली है यहां से यूएसडी बी हट जाएगा और यहां पर बी एफ आई सी ही चार्जेबल होगा ओके तो यहां हमारे लिए एक अच्छी चीज ये कर दी गई है कि जो यूएसडीबी का लोड हम लो, लोगों पे पड़ रहा था तो वो वन फोर्थ ही लोड हम पे पड़ा यानी कि एक चौथाई भाग यहाँ पर हमें सिर्फ पे करना होगा फॉर uh, एग्जाम्पल अगर हम हंड्रेड uh, यूएसडीबी पे कर रहे थे चार्ज में तो सिर्फ पच्चीस यूएसडीबी का बराबर बी हमें पे करना होगा और हमारे स्लॉट बाय हो जाएंगे तो फिलहाल के दरमियान आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर बी एंड बी का आपको करेंसी चाहिए बी अपना कॉइन है और बीबीटीसी इसके अंदर एंटर करने के लिए जो एक बॉन्ड या एक टोकन लगेगा उसे टोकन भी कह सकते हैं हम क्योंकि वो प्राइज कैरी करके चलता है बिटकॉइन का इसका अपना कोई प्राइज नहीं है तो एक बीबीटीसी आपको चाहिए एक स्लॉट बाय करने के लिए तो यहाँ फाइनली आपसे जो लिए जाएंगे वो दो बीबीटीसी लिए जाएंगे और कुछ बी एफ आई सी लिया जाएगा ठीक है तो हमारे पास दो करेंसी होना चाहिए एक तो बीबीटीसी और एक बी एफ आई सी अच्छा फाइनली इनकी मैं अगर आई एन आर वैल्यू की बात करूं तो तकरीबन ये हमारा एक हजार रुपए के अंदर यह चीज हो जानी चाहिए एक हजार ग्यारह बजट जो भी है इतनी सी कम से कम एक एक और जहां तक हमारा मन करे हम वहां तक स्लॉट बाय कर सकते हैं और यहाँ पर बाय करने का बेनिफिट ये होता है कि एक बार आपने बाय कर दिए फिर धीरे 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 भी आपने अगर काम स्टार्ट किया तो आप एंड आपके अपलाइन जैसे काम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे आप टीम बनाते हैं तो बहुत बड़े बेनिफिट यहाँ पर आपको इमिडिएटली मिलने स्टार्ट हो जाते हैं वो प्लान में आपको समझ में आ जाएगा तो मैंने यहाँ पे बताया कि हमारा जो मैग्म मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो हजार से बारह सौ रुपए का होने वाला है छोटा सा इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पे मैं बात करूं अच्छा इन्वेस्टमेंट की बात भी ये कर दूं तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है जरूरी नहीं है कि ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी अकाउंट में जाए क्योंकि प्लान ही कुछ इस तरह का बना हुआ है कि ये जो जितना भी इन्वेस्टमेंट हमारे द्वारा हमारी टीम के द्वारा यहां पर होता है 100 वो मेरी हमारी टीम में और हमारे जो तीन अपलाइन उन तक वो सारा का सारा का डिस्ट्रीब्यूट पर हो जाता है तो हंड्रेड परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है आपका बुलेटो तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये स्कैम का डर भी यहाँ पर नहीं है कि कंपनी हमारा फंड जैसे बहुत सारी कंपनियों आप, में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम फंड कंपनी के अकाउंट में चला गया और फिर एक बार एक, एक बार स्थिति ऐसी आई कि कंपनी लोगों के किसी का माइक अनम्यूट है शायद माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज मेरा संभाल को तो करो सर माइक म्यूट कर लीजिए आपका माइक अनम्यूट है बैंक तो बंद है ना बंद होगा बैंक बंद हो गया बंद हो गया पुले अच्छा अच्छा नीचे का आज ही बंद कर दिया बैंक संभाल को लेगा पर माइक म्यूट कर दिया अमित कुमार जी तो चलिए कर च तो तो बहुत सारी कंपनियों में ये होता है कि डर होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फंड हमारी हमारी टीम का फंड जो कंपनी ये स्टॉक हो रहा है कहीं वो लेकर बंद भागना जाए तो यहाँ पर ये चीजें भी खत्म है तो बीबीटीसी जैसा मैंने बताया तो एक दो बीबीटीसी होने चाहिए और फिर स्टार्ट कर पाएंगे हम बुलेटो को तो कैसे होगा इसका रजिस्ट्रेशन हमारे पास होना चाहिए एक तो इनकी अपनी है तो हाँ भाई ये अपना है, तो हमें यूज करते हैं अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए तो आप मेटा मास्क यूज कर सकते हैं आप ट्रस्ट बॉलेट यूज कर सकते हैं आप कॉइन बेस बॉलेट यूज कर सकते हैं तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उस बॉलेट को यूज करके बुलेटो को रन कर सकते हैं ठीक है तो आपके पास बी एफ आई सी एंड मिनिमम एक हजार रुपए की वैल्यू का आपके पास एंड होना चाहिए तो फिर क्या होगा अच्छा यहां पे मैं ये बता दूं कि ये दू किसी है जैसा कि मैंने बताया कि ये बिटकॉइन के रेट को कैरी करता है और बिटकॉइन की कितनी छोटी डिजिट बनेगी बराबर एक बीबीटीसी बनेगा यानी कि मैं थोड़ा सा डॉलर भाषा में आ जाऊं तो यहाँ पे मान के चलिए कि एक बिटकॉइन अगर आज छत्तीस हजार डॉलर का है तो एक बीबीटीसी थ्री पॉइंट सिक्स डॉलर का आपका होगा और थ्री पॉइंट सिक्स डॉलर को आप नाइन्टी से मल्टीपल कर दीजिए तो एक बॉन्ड की आई एन आर वैल्यू यहां पर आ जाएगी ओके तो दो बॉन्ड हमें चाहिए जी दो बॉन्ड बराबर यहाँ पर आठ डॉलर दिखाया गया राउंड फिगर में यहाँ पर आ, काउंट कर किया गया है ये, तो आठ डॉलर का मतलब अभी आठ डॉलर नहीं है दो बी बिटी बराबर क्योंकि बिटकॉइन अभी कम रेट है तो जैसे हमने रजिस्ट्रेशन किया अपने अपलाइन कोड से तो कर को हमें दो क्लब देखने को मिले एक पहला क्लब का नाम है ए क्लब और दूसरे क्लब का नाम है बी क्लब पहले क्लब की अगर बात करें तो एक बॉन्ड हमारा यहाँ पर यूज हुआ और जब ये यूज हुआ तो यहां पर हमारा मात्र कितना इन्वेस्टमेंट हुआ थोड़ा सा एक बीफाई से हमारा यहां पर कटा तकरीबन हमारा चार सौ साढ़े चार सौ रुपए का इन्वेस्टमेंट फाइनली इस क्लब के अंदर हुआ बेनिफिट कितना होगा तो अब यहाँ पे क्या है कि आपने काम करना स्टार्ट किया तो एक लेफ्ट एंट्री आई एक राइट right एंट्री आई जो अपलाइन पोजीशन आप देख रहे हैं तो जैसे ही आपके पास आपके डाउन में एक लेफ्ट एंड एक राइट right एंट्री यहां पर आई तो ये दोनों एंट्री आपके अपलाइन का प्रॉफिट बनेंगी जो भी आपके अपलाइन ऊपर है तो फर्स्ट अपलाइन एंड सेकेंड अपलाइन जो भी है आपके ऊपर तो उनका प्रॉफिट बन जाएगी यानी कि पूरा का पूरा बीबीटीसी उन्हीं के वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा जैसे ही आपके थर्ड नंबर आई डी एंड फोर्थ नंबर एंड फाइव नंबर जैसे ही आएगी ये कहां से आएगी चाहे तो आपके डाउनलाइन जो आपने लगाए थे वो लेकर आए चाहे आपके द्वारा आई आप हो चाहे अपलाइन से स्पिल होकर गिरी हो तो ये तीन एंट्री आपका प्रॉफिट बनेगी यानी कि इस स्लॉट के अंदर आपका एक बॉन्ड लगा और आपको तीन बॉन्ड की यहां से रिसीविंग हुई अच्छा बात करते हैं अब ये लास्ट एंट्री यानी कि छठे नंबर एंट्री तो जैसे यहां पे ये आएगी तो ये एंट्री आपके इस स्लॉट को रिसाइकिल कर देगी और जब रिसाइकिल कर देगी तो ये दोबारा से इनकम देने के लिए आपका स्लॉट रेडी होगा ठीक है तो इस तरह से आपका क्लब ए का स्लॉट काम 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 करेगा इस इस तरह आपके काम करेंगी, इस तरह से से आपकी एंट्रीज टीम काम करेंगी, तो यहां पर हमारे हमारे जो अपलाइन अपलाइन है वर्किंग वाले अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है और नॉन अगर वो वर्किंग वाले नहीं है तो उन्हें आपको आपको करके उन्हें वर्किंग के लिए एग्री करना पड़ेगा उन्हें तैयार करना पड़ेगा भाई हमें लगाया है तो यूं ही ना छोड़ो आप भी काम करो हम भी काम करें ठीक है तो यहाँ पे काम करने से आपको बहुत अच्छा पैसा बन सकता है यानी कि आपने एक बोर्ड लगाया और तीन बोर्ड की रिसीविंग एक राउंड में आपको यहाँ पे हो जाती है इसके बाद ये पूरा प्रारूप है इसका क्लब ए का तो क्लब ए के ये आठ स्लॉट आप देख रहे हैं सिस्टम वही है आपने जो पहली एंट्री लगाई पहले प्लाइन को चली गई दूसरी एंट्री लगाई वो प्लाइन को चली गई तीसरी चौथी पांचवी एंट्री आपने लगाई हो आपके डाउन लाइन डाउन वालों ने लगाई हो आपके आपसे स्पिल पी लोकाई हो तो ये तीन एंट्री के प्रॉफिट आपको हो जाएंगे और आपको पहले स्लॉट में आपने एक बॉन्ड लगाया था तो आपको तीन बॉन्ड की रिसीविंग हुई तीन बॉन्ड में से अपनी पॉकेट में से सिर्फ आपने एक हजार खर्च किया था फिर आपने वर्किंग की और वर्किंग की के जैसे 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 स्लॉट आपके फाइनल हुए आपने इनकम ली अगले स्लॉट को आपने बाय करना स्टार्ट किया तो यहां पर तीन बॉन्ड कमाए थे तो सेकंड स्लॉट में हमने क्या काम किया दो बॉन्ड यूज किए एक बॉन्ड बचाया तो अब यहाँ पर हमारा जीरो परसेंट इन्वेस्टमेंट हुआ तो अब यहाँ पे सेकंड जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है तो हमें छह बॉन्ड की रिसीविंग होती है तो दो लगाए थे छह मिले छह में से चार हमने अगले में यूज कर दिए दो बचा लिए जैसे तीसरा कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हुआ वो बारह बॉन्ड का हुआ इन बारह बॉन्ड में से हमने आठ बॉन्ड आगे लगा दिए तो आगे आठ बॉन्ड जब लगाए उस ये हमारा फोर्थ नंबर स्लॉट होगा और फोर्थ नंबर में जैसे ये होता है, तो पर हमारा से अपनी मेहनत से तो यहाँ पे फाइनली आप स्लॉट में पहुंच जाते हैं तो आठवें स्लॉट में पहुंचने पर आपके टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना हुआ टोटल आपको अर्निंग कितनी हुई टाइम कितना लगा ये तीन चार चीजें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये डिपेंड करेगा आपकी वर्किंग पर ये डिपेंड करेगा आपकी अपलाइन की वर्किंग पर ये डिपेंड करेगा आपकी टीम की वर्किंग पर ये चीजें अगर फास्ट हैं तो वक्त ज्यादा नहीं लगेगा इनकम आपको मिल जाएगी और कितनी इनकम मिलेगी तो यहाँ पर इस पोटेंशियल में हम ये चीज समझेंगे तो हमारा फाइनली जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ दो सौ बीबीटीसी और इनकम जो हुई वो हुई सात सौ बीबीटीसी और यहां से जब हमने ये दो माइनस किया तो हमारे पास जो शुद्ध प्रॉफिट बचा वो बचा पांच सौ ग्यारह बीबीटीसी और पांच सौ ग्यारह बीबीटीसी को अगर मैं आई एनआर में कन्वर्ट कर दू तो भाई आप पांच सौ ग्यारह को मैं तीन सौ रुपए से ही मल्टीपल कर दीजिए तो आई एन आर वैल्यू इसकी फाइनली आ जाएगी ये सिंगल राउंड इनकम है इसमें अभी आपको मिलती है एक रिसाइकिल इनकम तो रिसाइकिल इनकम इसकी बहुत अच्छी रिसाइकिल इनकम है स्लाइड इसमें से वो मिस है तो मैं फिलहाल वो नहीं बता सकता अभी आपको चलते हैं हम एक बार यहाँ पे देख लें तो पांच सौ ग्यारह बीबीटीसी की हमारी इनकम हुई हमारी पॉकेट से लगा था सिर्फ एक बीबीटीसी एक बॉन्ड और इनकम हमारी कितनी हुई पांच सौ ग्यारह बॉन्ड की तो बिटकॉइन की फॉर्म में अगर इसे हम देखें तो ये होता ये बनता है हमारा पॉइंट जीरो फाइव वन वन बिटकॉइन तो ये हम कमा लेते हैं सिंगल राउंड क्लब ए से इसी में हमारा है क्लब बी और क्लब बी के अंदर क्या है ये हमारा जो चौदह पोजिशन वाला स्लॉट है इसके अंदर हमारे पास चौदह पोजीशन मिलेंगी फोर्टीन पोजीशन मिलेंगी तो वर्किंग तो हम कर रहे हैं मान लो क्लब ए के ऊपर लोगों को तो हम ला रहे हैं वहां पे ऑटोमेटिक क्लब बी बाय हो रहा है क्योंकि दो बॉन्ड कंपलसरी है तो इसलिए बी के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है तो वो क्लब ए भी ज्वाइन करता है क्लब बी भी ज्वाइन करता तो एक ही व्यक्ति दो प्लान को लेकर यहाँ पर चलता है और पता भी नहीं चलता कि मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि मैं दो प्लान कर रहा हूँ ठीक है तो यहां पे भी सेम सीन है जी पहली एंट्री आई पहले अपलाइन को चली गई दूसरी एंट्री आई दूसरे अपलाइन को चली गई तीसरी एंट्री या तो आपका पहला डाउनलाइन ले आए या आप ले आए या आपके अपलाइन ले आए जैसे ही तीसरे नंबर की एंट्री आएगी आपका प्रॉफिट बन जाएगी फोर्थ नंबर एंट्री आएगी आपका प्रॉफिट बन जाएगी फिफ्थ नंबर एंट्री आएगी आपका प्रॉफिट बन जाएगी एंड सिक्स नंबर एंट्री आएगी आपका प्रॉफिट बन जाएगी सेवन नंबर एंट्री जैसा आएगी ये आपके फर्स्ट डाउनलाइन का प्रॉफिट बन जाएगी uh, number, number आपका बनेगी, लाएगा कंडीशन तो तो में इस पोजीशन इस पे अगर आती हैं तो प्रॉफिट आपका बनती है ओके okay? तो फोर्टीन एंट्री से यहाँ पर आपकी जो है ये पूरा का पूरा सिलोट कंप्लीट होता है और एक बॉन्ड लगाने के बाद आठ बॉन्ड की रिसीविंग आपको इस क्लब बी के पहले स्लॉट से आपको यहाँ पर होती है तो यह है जी आपका क्लब बी का पहला स्लॉट और यह है फाइनली इसका पूरा स्ट्रक्चर पूरा प्रारूप यहाँ पे भी हम आठ स्लॉट देख पा रहे हैं तो पहला स्लॉट मैंने अभी आपको समझाया है किस तरह से काम करेगा सेकंड स्लॉट भी इसी तरह से काम करेगा चाहे तो आप एडवांस में खरीद लें चाहे पहले स्लॉट को कंप्लीट करके वहां से एक बॉन्ड जो लगाया था उसके बदले आठ बॉन्ड कमाए तो उन आठ बॉन्ड में से सेकंड स्लॉट में दो बॉन्ड लगा दें छह बोन्ड का प्रॉफिट बना ले तो सेकंड स्लॉट जब कंप्लीट होगा तो यहाँ आपको सोलह एक एंट्री यहाँ पर दो बॉन्ड रखे हुए है तो आठ एंट्री आप तो आठ आपको इनकम में आएंगे तो सोलह बॉन्ड आपने कमाए अगले स्लॉट में आपने छह बॉन्ड लगा दिए दस बॉन्ड कमाए तो इस तरह से हम यहाँ से कमा के यहीं पे इन्वेस्टमेंट करते चले जाए तो रिस्क फ्री आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरह से मतलब करना चाहें फाइनली बात करूं एक कंप्लीट हुआ अगले में गए अगला कंप्लीट हुआ उसके अगले में गए इस तरह से काम करते करते हम आठवें स्लॉट में आ गए तो आठवें स्लॉट में आने पर हमें यहाँ पर सिंगल राउंड इनकम कितनी हुई ये समझेंगे हम इस पोटेंशियल में और ये पोटेंशियल क्या है जी ये पोटेंशियल बोलता है कि आपका फाइनल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ तो मैं यहाँ पर जूम करके पर दिखा दू उनतालीस सौ उनहत्तर आपके यहाँ पर फाइनली इन्वेस्टमेंट हुए जबकि आपने अपनी पॉकेट से एक ही बॉन्ड एक ही बीबीटीसी लगाया था ओके तो यहां से कमाया यहीं पर लगाया तो फाइनल इन्वेस्टमेंट हमारा उनतालीस सौ उनहत्तर बीबीटीसी का यहां पर फाइनल हुआ ओके इनकम हुई हमारी इकतीस हजार सात सौ बावन बीबीटीसी एक बीबीटीसी बराबर हमने बताया तीन सौ तीस रुपए राउंड फिगर में पकड़ लो या तो तीन सौ पचास या पकड़ लो तीन सौ रुपए तो आप मल्टीपल कर लीजिए इकतीस हजार सात सौ बावन को तीन सौ रुपए से तो ये आपकी आई एन आर वैल्यू में इनकम बनी इसमें से इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया वो सत्ताइस हजार सात सौ चौरासी बॉन्ड आया अब इसे आप तीन सौ रुपए या साढ़े तीन सौ रुपए से मल्टीपल कर दीजिए आई एन आर करेंसी में तो आपका फाइनल आई एन आर वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ये आपका सिंगल राउंड प्रॉफिट क्लब बी से यहाँ पर बनता है टाइमिंग की मैंने बात वही बताई है जितनी फास्ट आपका वर्किंग होगी उतनी फास्ट आपकी ये इनकम होगी क्योंकि यहाँ पर विड्रॉल करने के लिए कोई नहीं है विड्रॉल ऑटोमेटिक होता है और आप ऑटोमेटिक विड्रॉल होने के बाद जैसे अपना चैन ब्रिज लाइव होगा तो आप उसे सेल आउट भी विद इन सेकेंड कर सकते हैं नो डाउट ओके अब हम बात करते हैं इसके पोटेंशियल की तो पोटेंशियल में मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर सत्ताईस हजार सात सौ चौरासी बीबीटीसी या टू पॉइंट सेवन सेवन एट फोर बिटकॉइन ये आपकी फाइनली यहाँ पर इनकम बनती है सिंगल राउंड नहीं है उसके बावजूद ऑटोमेटिक वो रिसाइकिल होता है जैसे जैसे स्लॉट कंप्लीट होते हैं ऑटोमेटिक वो रिसाइकिल एक एंट्री रिसाइकिल में चली जाती है तो यहाँ पे फाइनली रिसाइकिल प्रॉफिट जो हमें मिलता है वो मिलता है पचास हजार पांच सौ छिहत्तर बीबीटीसी ये कैसे मिलता है जब आप वर्किंग करते करते आठवें स्लॉट में पहुंचते हैं तो पहला स्लॉट कम से कम आपका आठ बार रिसाइकल हो चुका होता है दूसरा स्लॉट आपका सात बार रिसाइकल हो चुका होता है तीसरा छह बार फिर पांच बार फिर चार बार फिर तीन बार फिर दो बार इस नम, इस नंबरिंग के आधार पर आपके स्लॉट रिसाइकल होते हैं और इसी के बेस पे आपको फिर वो प्रॉफिट जो बनता है वो टोटल आपका पचास हजार पांच सौ छिहत्तर बीबीटीसी बनते हैं तो इसे अगर मैं बात करूं कि ये जो पचास हजार पांच सौ छिहत्तर बीबीटीसी है तो ये फाइनली पांच पॉइंट जीरो पांच सात छह बिटकॉइन में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर बिटकॉइन की दृष्टि से इसे हम देखें तो ये पांच पॉइंट पांच सात सौ छिया मतलब पांच पॉइंट जीरो पांच सौ छिहत्तर बिटकॉइन आपका यहाँ पर बनता है तो ये कोई छोटी इनकम नहीं है बहुत बड़ी इनकम है क्योंकि तो एक बिटकॉइन की वैल्यू आज तकरीबन तीस लाख इकतीस लाख रुपए की है आई करूं इंडिया की बात करूं तो तो इंडियन करेंसी में तो पर बिटकॉइन आपने अगर एक वर्ष के अंदर भी यहाँ से अर्न कर लिए छह माह के अंदर भी आपने अर्न कर लिए दो वर्ष के अंदर भी आपने अर्न कर लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी लाइफ की होगी और यहाँ पे अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो एक एक माह में लोग दस दस बीस बीस आउटपुट सिस्टम आ गया तो okay? आउटपुट तो मैंने बताया चैन ब्रिज के माध्यम से आप इसे फाइनली कन्वर्ट कर पाएंगे बिटकॉइन के लाइव प्राइस पे इसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे और फिर आपकी मर्जी क्योंकि कंपनी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा जब आपने यहां बिटकॉइन को सॉरी uh, बीवीटीसी को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया तो फिर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट खत्म फिर बिटकॉइन आपके पास है चाहे आप लॉन्ग टर्म होल्ड रखें चाहे एट ए टाइम सेल आउट करके डॉलर बना दे मर्जी आपकी ठीक है तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सब कुछ हमारे हाथ में है हमारे मतलब आपके हाथ में है तो uh, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये ना समझने लगे कि मेरे हाथ में है तो मेरे हाथ में नहीं है मैं मैं भी आपके जैसा हूं तो हम सबके हाथ में है तो विड्रॉल ऑटो मोड पे है तो हम सबको एट ए टाइम यहाँ पर विड्रॉल मिलते हैं जैसे हमारी पोजिशन पे कोई एंट्री पहुंचती है इनकम वाली ओके okay. अब यहां पे मैं बात करूं रॉयल पुल की तो रॉयल पुल के लिए कंपनी रॉयल पुल क्यों रखा कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट के अंदर हालांकि आवश्यकता नहीं थी लेकिन रखने की वजह यह थी कि जो बी है बी की यूटिलिटी देना मार्केट में बीएलबी की यूटिलिटी आएगी तो एल की यूटिलिटी का मतलब बी, बी कंज्यूम होगा तो मार्केट से बी, बी कम होगा तो कम होगा तो फिर डिमांड में आएगा सप्लाई मार्केट में कम रहेगी तो रॉयल पूल कंपनी ने यहाँ पर रखा और रॉयल पूल को अचीव करने के लिए हमें कंडीशन क्या दी कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आप क्लब ए एंड क्लब बी के आठ स्लॉट जैसे कंप्लीट करते हैं और क्लब बी के एक एक स्लॉट को एक एक बार रिसाइकिल जब आप करते हैं तो आप रॉयल पूल के अचीवर हो जाएंगे और यहाँ पर एक लाख बी आपको रॉयल पूल में देना होगा उसके बाद जब आप रॉयल मेंबर बन जाएंगे तो अभी जो कंपनी का जो एक टाइम चल रहा है हंड्रेड रतन वाला अगर इस पीरियड में आप रॉयल पोल मेंबर बनते हैं तो कंपनी की तरफ से एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी भी आपको तो मिलती है और आप आप हंड्रेड रतन में भी यहाँ पर शामिल होते हैं तो एक लाख बी एल भी आपने यहाँ कंपनी को दिया उसके बदले कंपनी ने मंथली टर्न जो भी इस बुलेटो के क्लब ए एंड क्लब बीस है जो रिवेन्यू जनरेट हुआ रिवेन्यू इन द सेंस तो चार्ज में उसने करेंसी ली है चाहे वो बी से जैसे बीस तारीख से बी से लिया जाएगा तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टोटल का फिफ्टी okay? टोटल जो कलेक्शन हुआ उसका 50 इन रॉयल मेंबरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये एक बी एफ की फॉर्म में हम लोगों को यहाँ से इनकम यहाँ पर तो प्रति माह मिलने लगती है तो ये रॉयल पुलिस ले रखा हुआ है ताकि बी एल पर कंपनी की तरफ जाने लगे और कंपनी फिर उसे अपनी अकॉर्डिंग होल्ड करके कर कर रखे चाहे उमर बी एलबी को ले आए तो ये जो बी एलबी वहां जा रहा है हो सकता कि उसे वो वर्न कर दें कंपनी और ऐसा पीछे कहा भी था कंपनी ने कि वो वर्न करेगी जो भी रॉयल पुल में बिलवाएगा ओके तो यहाँ पर हम लोगों के लिए गुड न्यूज हो जाएगी कि अगर बी एल बी की सप्लाई आप

और सी मशीन के लिए कंपनी ने एक हिंट्स दिया है कि भाई जितनी बड़ी टीम बना सकते हो बुलेटो में बना लो क्योंकि सी मशीन में मैक्सिमम प्रॉफिट वो ही लोग कमाएंगे जो लोग बुलेटो में एक अच्छी टीम बना के रखेंगे क्योंकि सी मशीन इस बुलेटो का मेन फीचर्स है और ये सी मशीन जो इनकम हम बुलेटो में कर रहे हैं उससे कई गुना इनकम देने वाला आपका सी मशीन प्रोजेक्ट है जो तकरीबन आपका फरवरी मार्च में शायद लाइव करने की तैयारी है कंपनी की जिसका पिछले बताया भी था कंपनी ने तो वो फरवरी मार्च में इसे लाइव कर देंगे तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा एक प्लान है और इसके इसे इसमें मैक्सिमम इनकम लेने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए एक अच्छी टीम होनी चाहिए तो टीम अब मैं मानता हूं कि बीस तारीख के बाद से एक अच्छी टीम बनने लगेंगी क्योंकि बुलेटो के अंदर जो हम लोगों को कमियां नजर आ रही थी जो हम लोगों को चीजें कुछ मतलब हजम नहीं हो पा रही थी वो यहाँ से एक तरफ कर दी गई है तो बुलेटो में स्पीड बढ़ जाएगी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग की नंबर ऑफ मेंबरों की तो एक हर व्यक्ति की अच्छी टीम बनने वाली है यहाँ पर ओके तो मेरी तरफ से इतना ही है और इस बुलेटो के कुछ और फीचर्स हैं जी जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट कॉन्टेक्ट वेरीफाइड सर ठीक है नो कंपनी नो एडमिन हंड्रेड परसेंट मोड पर चलने वाला प्रोजेक्ट है वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट विद हंड्रेड परसेंट सक्सेज पोटेंशियल है थ्री अपलाइन एंड थ्री डाउनलाइन टू हेल्प वन आई डी सक्सेड यानी कि आपकी आई डी को सफल बनाने में तीन अपलाइन एंड तीन डाउनलाइन का भरपूर यहाँ पर सहयोग रहने वाला है

देने वाला है नो टाइम लिमिट एंड नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट स्लॉट इसके जो हैं उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कोई एक्सपायरी नहीं है इस स्लॉट के एक्सपायर होने की कोई टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट लाइफ टाइम ही होते हैं क्योंकि उन्हें फिर बंद नहीं किया जाता लोग काम करें ना करें लेकिन वो कॉन्सेप्ट बंद नहीं होते कंटिन्यू वो चलते रहते हैं क्योंकि वो एक बार डिप्लोय। जब के लिए हो जाते हैं, तो फिर उसका भी बस ये बुलेटो की प्रेजेंटेशन है अब मैं लेना चाहूंगा जी किसी का रेस और जानना चाहूंगा प्रेजेंटेशन के बारे में कैसी रही प्रेजेंटेशन ओके तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को पहले ऑफ कर दूं और मेरे को होस्ट यानी कि मेरे साथ एक अमित कुमार जी बताएं जरा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कुछ क्लियर हुई या लोगों को नहीं हुई क्लियर इनोवेशन क्लब जी आप भी अनम्यूट किए थे मैंने आप बताएं जरा सर जी आपका इनोवेशन प्लान बहुत बढ़िया धन्यवाद है जी, अच्छा मैं आ, मेरे भाई हैं जी मेरे अपलाइन हैं बड़े भाई जैसे हैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान मैं आपको जी अनम्यूट करता हूं सर और बहुत देर में आप दिखाई दिए थैंक आप थैंक यू सागर भाई जी जी वेलकम गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया हमारे सागर भाई ने सारी कल की मीटिंग के हवाले से कुछ बताना चाहूंगा जैसा कि आज सारे दिन लोगों के फोन आए यूएसटी को लेकर के तो दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों को एक ही बात बताना चाहूंगा कि कंपनी ने जो डिसीजन लिया है और जो लीडर्स ने इसका समर्थन किया है वो समर्थन करने का एक ही रीजन था कि कंपनी की जो जान है वो है बी एफ आई सी कॉइन यानी कि बी एफ आई सी से ही इनोवेशन फैक्ट्री की पहचान थी और है और रहेगी लेकिन कंपनी अपने रोड मैप से हट गई थी और वो टिक गई थी बी एल वी एंड यूएसडी पर ही टोटल फोकस था कि किस तरीके से यूएसडी को लोगों के द्वारा वापस लिया जाए हर संभव कोशिश करने के बाद भी हम लोग बी एफ आई सी को पूरी तरीके से मतलब आगे इंक्रीज नहीं करवा पा रहे थे जबकि आपको पता है कि बी अगर हमारी जिंदा है तो हमारी इनोवेशन फैक्ट्री जिंदा है यूएसडी भी स्टेबल कौन था जिसके बदले में कंपनी ने बहुत सारा बी होल्ड कर रखा था उसकी सिक्योरिटी के लिए अब बी लोगों को वापस भी देना था जैसा कि उमर सर ने वादा किया था कि दिसंबर से जनवरी के बीच में लोगों को उनका लगा हुआ बी रिटर्न करूंगा और वो वक्त भी नजदीक आ चुका था तो मैं सभी दोस्तों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे यूएसडीबी के होल्डर्स हैं जिनको उम्मीद थी काफी दिनों से वो यूएसडी को होल्ड करके रखे हुए थे कि कब इनका रेट बढ़ेगा और कब हम इसको सेल आउट कर पाएंगे लेकिन आज सभी लोगों के बहुत ज्यादा कॉल्स आए कहने लगे क्या गारंटी है कि उमर भाई हमको हमारा यूएसडीबी दे पाएंगे तो उन दोस्तों को मैं इस जूम मीटिंग के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों क्या गारंटी थी कि आप होल्ड करके और उसका बेनिफिट ले पाते तो तो दोस्तों विलीव ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है है अगर आपको विलीव है, तो आज तक इनोवेशन फैक्ट्री तीन साल से देती ही आ रही है मैं मानता हूं मैं भी आपके ही लोगों में से हूं मैं कोई कंपनी का नहीं लेकिन मैं आपको विलीव दिलाना चाहूंगा कि जो कंपनी का डिसीजन था जिसमें लीडर्स ने सपोर्ट किया तो वास्तव में काबिल तारीफ था क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसको चार माह तक और भी अपने पास रख लेते तो क्या कर लेते रेटें बढ़ नहीं रही थी और कंपनी अपने जो रोड मैप के ऊपर नहीं आ पा रही थी आज यूएसडी हम लोगों को जरूरत है कि हम उन्नीस तारीख तक अपने स्लॉट बाई करने में लगा सकते हैं अपने बिलअप को ड्रॉल करने में लगा सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें बचता है चाहे वो हम हमारे पास रखें या कंपनी के पास रखें बात एक ही है अगर उनको जीरो करना जिस दिन होगा तो वो आपके पास होल्ड हुआ भी जीरो हो जाता लेकिन उमर भाई और इनोवेशन फैक्ट्री कभी किसी के साथ ऐसा धोखा नहीं करती इसलिए जिन लोगों के पास अभी होल्ड है अच्छी तादाद के अंदर वो टेंशन ना करें और कंपनी के रोड मैप के अनुसार वो जो तारीख दी जाएगी उस टाइम उस एड्रेस पर आपको सबमिट करना ही होगा और कंपनी की तरफ से जो तारीख दी गई है वो है बीस मार्च जहां पर आपको वन यूएसडीबी के बदले यूएसडी दिया जाएगा एक यूएसडी के बदले एक यूएसडी टी हाँ इसमें चेंज ये हो सकता है कि अगर आपको वहाँ बी एफ भी दिया जा सकता है तो बात एक ही है वहां से लिया वहां भेज दिया अब बात आती है कि जो पुराने लोग थे यूएसडी ULD, यूएसडी से पहले वाले वो थे बी एफ आई सी नेटवर्क जो एक मजबूत कम्युनिटी थी जिसकी बुनियाद पे ये इमारत खड़ी हुई है तो दोस्तों उन लोगों के बारे में कंपनी को सोचना जरूरी था और उन लोगों के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट मंथ में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो लोग मायूस हुए बैठे कि कब हम लोगों का बी एफ आई सी कोइन जो होल्ड पे है वो हमको मिलेगा तो मैं उन दोस्तों को सिर्फ इशारा करना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर आप लोगों को इतनी बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है कि मुझे लगता है कि वो सुनने के बाद हमारे पुराने जितने भी साथी थे वो इतने एक्टिव होंगे कि वो इस आंधी में इनोवेशन फैक्ट्री में छोटी मोटी कंपनियां धराशाई हो जाएंगी और इनोवेशन फैक्ट्री एक बार चरम सीमा पर फिर वापस से आएगा तो ये उम्मीद रखें क्योंकि आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जो कड़े डिसीजन लिए जाते हैं उसका नुकसान सबसे ज्यादा कम्युनिटी को नहीं सिर्फ चंद लीडर्स को होता है ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको जो नुकसान होता है आपकी नजर में चाहे कोहोस्ट जो बोलते हैं ये बहुत बड़ा इनकम करके बैठे हुए होते हैं लेकिन जब इनको ये डिसीजन होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को होता है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको पता है कि उमर भाई ने अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले अभी एक प्रोमो निकाला था कि 50 इनकम लेने वाले व्यक्ति को पर स्लॉट पे कुछ रिवार्ड दिए जाएंगे और दोस्तों हमारे बहुत सारे साथी थे ज्यादा नहीं तो मैं दस बीस लोग ऐसे थे जिन्होंने उन आठ के रिवार्ड को पहले दिन ही अचीव किया हुआ था यानी कि उनको वो आठ स्लॉट के रिवार्ड पूरे मुकम्मल करने में एक महीना नहीं लगता कितनी बड़ी इनकम थी उन लोगों की लेकिन जब उमर सर के साथ में मीटिंग हुई तो हमारा डिसीजन हमारे स्वार्थ का नहीं था हमारा डिसीजन था हमारी कम्युनिटी के स्वार्थ का हमने वो कुर्बानी देने के बाद उमर भाई को एक ही बात बोला कि आज अगर हमें ब्लोटो में कुछ परेशानी आ रही है तो वो है गैस फीस जो आपने यू के रूप में लगा रखी है तीन बार मीटिंग हुई रात और दिन के अंदर यानी कि छह से सात घंटे हम कंटिन्यू मीटिंग में रहे बार बार मीटिंग को समय दिया गया कि दो घंटे बाद फिर करेंगे दो घंटे बाद फिर करेंगे तो रात के बारह बजे जाकर के ये डिसीजन हुआ कि हम ब्लोटो की जो गैस फीस यूएसडीबी के रूप में ली जा रही है उसको वन फोर्थ करें या वन फाइव करें या हंड्रेड परसेंट रखे तो दोस्तों कम्युनिटी की जीत हुई और इसको रखा गया वन फोर्थ यानी कि आज अगर आपके तेवीस सौ चार यूएसडीबी लास्ट स्लॉट एट बी क्लब के में लगते थे लेकिन अब आपको वहां से उसका फोर्थ हिस्सा

और साढ़े बारह परसेंट उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग इस रिवार्ड को क्वालिफाई करेंगे जो फिफ्टी इनकम के रिवार्ड थे आठों स्लॉट के अब दोस्तों फिर वापस से यूएसडी मार्केट में आता जिसको कंपनी अपने पास लेने जा रही थी लेकिन वहां पर जो डिसीजन हुआ गया कि अगर हम इसको फिफ्टी परसेंट रखते हैं तो कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि 40, 50, पैतालीस का जो यूएसडी भी आता था अगर एक डॉलर नब्बे का मान के चलें तो आधा रखने का मतलब था कि यूएसडीबी की आज की रेट के मुताबिक लोगों को जो है फीस देना होता कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसके अंदर 50 परसेंट कंपनी को रहता 50 परसेंट में से दो हिस्से होते एक रॉयल पूरे अचीवर को होता और एक होता जो 50 प्लस अचीवमेंट वाले लोग थे लेकिन हम सभी लीडर्स ने इसको माना और ये रखा सजेशन कि हमें नहीं चाहिए दस लोगों को अगर आप दे दोगे तो लाख कम्युनिटी का नुकसान होता है ऐसा सीधे -सीधे। प्लस किया के के पास और भी में जितना भी जाता है उस टोटल बी का ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए तो आज हमारे जितने भी रॉयल अचीवर हैं उन लोगों को ये खुशी होनी चाहिए कि यूएस जो आपके मार्केट में आप सेल आउट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज आपको जो बी मिलेगा वो सेल आउट कर पाएंगे यूएसडीबी वालों के लिए बेनिफिट ये हुआ कि जो यूएसडीबी आज वो बेच नहीं पा रहे थे ये समझे कि हमारे पास ही होल्ड रखा हुआ है वो कंपनी के पास होल्ड होगा और चार महीने बाद हम एक यूएसडीबी के बदले एक यूएसडी ले पाएंगे तो दोस्तों दिमाग के अंदर ये कन्फ्यूज ना रखे अगर कंपनी को ये खत्म करना होता तो आपके पास रखे हुए भी खत्म हो जाते और हम और आप कुछ नहीं कर पाते तो ये रखें दूसरी बात बिलोटो के अंदर अब जो वूम आएगी वो इसी बेस पे आएगी कि यहाँ पर फीस कम है और साथ में बिटकॉइन कमाने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने है और मैं आपको ये कहना चाहूंगा लव वाले लोगों के लिए कि बी लव की जो लिस्टिंग जिस तरीके से बी एफ आई सी कॉइन की एक्सचेंजों के अंदर दिन ब दिन आप देखोगे वन वीक के अंदर उसी जगह आपका लव भी लिस्ट होगा और जैसे ही 500 दिन कंप्लीट होते हैं तो आप अपने कॉइन को दो डॉलर के अंदर एक बार लिस्ट होता देखोगे और फिर आप वहां पर सेल आउट कर पाओगे लेकिन उसके बावजूद मैं साफ शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि जो लोग आज भी फ्री के चक्कर में बैठे हुए हैं उनके लिए तीन ऑप्शन हैं कि वो अगले आने वाले महीने की कोई तारीख होगी उसके अंदर आपको 100% आपका पूरे महीने का एक साथ बिलव जो आपका आरओआई बनता है वो दे दिया जाएगा उसके नेक्स्ट मंथ हंड्रेड परसेंट आपको दे दिया जाएगा आपको दो ऑप्शन और बचे हैं उन्नीस तारीख के बाद दो ऑप्शन और आएंगे इन तीन ऑप्शन में आप जितना चाहें अपना बिल निकाल लें यानी आपका अगर एक लाख है आपने एक लाख लगाया है और पचास हजार आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लें ये पचास हजार ही आपको ढाई और तीन लाख के बराबर इनकम देने वाला है लेकिन जो लोग फ्री के चक्कर में रहेंगे उन लोगों को मैं साफ बता दूं जो मैंने कंपनी से सुना है वो लिस्टिंग के बाद वही लोग मजा ले पाएंगे जिन्होंने फीस दे करके बील को विड्रॉल किया है फ्री वाले लोगों को हो सकता है पांच से छह महीने वेट करना पड़ जाए उनके फ्री के विड्रॉल लेने में और ऐसा ना हो कि इनोवेशन फैक्ट्री कड़े डिसीजन लेने से नहीं चूकती अगर लोगों का भला करना होगा अगर दस परसेंट लोगों का नुकसान होता है तो उमर भाई ये डिसीजन लेने में नहीं चूकते हो सकता है वो वर्ण भी कर दें ये मैं इसलिए साफ शब्दों में कह रहा हूँ कम्युनिटी हमारी है हमें उसको सजेशन करना जरूरी है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रिंसिपल से से हमें 10%, 10 गुणा, 10X या 5X इतनी निकाल के रख लें अपने अपने पास कि कम से कम हम प्रिंसिपल का फाइव एक्स ले पाए तो दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री आज हमें जो कुछ दे रही है मैं नहीं मुझे नहीं मालूम मैंने आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी जो तीन साल करप्टों की कंपनी चली हो काफी दिनों से मैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर हूँ तो यहाँ पर जो कड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो हमें थोड़े दिन के लिए दुखदायी होते हैं लेकिन कम्युनिटी के हित में होते हैं ये आप ध्यान रखें बस कम्युनिटी साथ में लगी रहे इनोवेशन फैक्ट्री के कदम बे कदम सपोर्ट करती रहे वो दिन दूर नहीं जहां पर सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री का ही परचम लहराएगा थैंक यू दोस्तों थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू खान साहब बड़ी अच्छी बात आपने कम्युनिटी को बताई और बहुत सारी चीजें जो मतलब फिफ्टी परसेंट लोगों को था आज आपने वो भी ये क्लियर कर दी कि फ्री वाले जो लोग हैं वो फ्री के चक्कर में रहो लेकिन इतना भी मत रहो कि फाइनल फ्री के चक्कर में ही रहो तो फिलहाल आप वन परसेंट का बेनिफिट उठाएं वन परसेंट पे विड्रॉल करिए कम से कम अपने जो टोकन लगाए हुए हैं उनका ज्यादा भी ना तो टू एक्स थ्री एक्स तो आप विड्रॉल कर लीजिए ओके okay? और आप ये ना समझिए कि यार अभी तो बी कहीं सेल नहीं हो रहा तो हम इसमें क्यों खर्चा करें तो भाई आज अगर आपने यहाँ विड्रॉल में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया तो आपके पास जो क्वांटिटी बी बी की आएगी ना वो क्वांटिटी इतनी जबरदस्त प्रॉफिट आपको आफ्टर लिस्टिंग देने वाली है कि आप बस कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे कि कभी आपने लाइफ में ऐसा सोचा होगा कि हमें इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता था अभी की न्यूज़ आ गई है खान अगर आप यहाँ मीटिंग में हो, इस टाइम तो आपके पास ही पहुंच गई होगी ने जो जो है अपने टेलीग्राम पे का जो बैनर है वो पब्लिश कर दिया है और उस बैनर के अंदर उसने लिख दिया कि आप रीट्वीट करो आप पता नहीं क्या उसके अंदर कुछ और दिया हुआ है मैंने प्रॉपर देखा नहीं है अब हमें हर दिन

अभी यूटिलिटी आ रही है उसको आगे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का रोड मैप था पांच दिन में लिस्टेड करना और उसको सेल आउट करवाना बाकी पी टू पी चलता रहेगा बहुत सारी यूटिलिटी आ रही है वो भी आप देखोगे जी सिस्टमैटिक ढंग से सारी चीजें अच्छी लगती होती हुई और अनसिस्टमेटिक ढंग से तो सर आपने देखा ही होगा लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू करी तो उसने भी अपना रूप चेंज कर दिया पता नहीं चल पा रहा जाड़ों के दिनों में जाड़े हो रहे हैं कि गर्मी लोग पंखे चला के सो रहे हैं लिहा पोड़ के सो रहे हैं तो खान साहब ऐसा प्राकृतिक बन चुकी है जबकि आपको पता था कि मौसम अपने टाइम पे जो आते थे गर्मी में गर्मी जाड़ो में जाड़े बरसात में बरसात तो बड़ा अच्छा लगता था सब कुछ बैलेंस था लेकिन अनबैलेंस हम लोगों ने कर दिया नई नई टेक्नोलॉजी नई नई चीजें ला के तो वैसे ही यहाँ पे हुआ इनोवेशन के अंदर इनोवेशन जब अपने माइंड से चल रही थी जब सिस्टमेटिक ढंग से चल रही थी सारी चीजें बढ़िया थी जब लोगों के कहने में आकर थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश की तो वो डिस्टर्ब हुआ और अब बड़ी अच्छी बात है कि कंपनी को ये चीज समझ में आ गई कि यार कुछ तो हम गलत कर रहे हैं तो जहां से उन्होंने छोड़ा था सिस्टम को वहीं से पकड़ा और बी एफ आई सी मतलब बी एफ आई सी को थोड़ा सा इग्नोर किया था तो बी एफ आई सी को पकड़ा अब यहाँ से चीजें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे ऐसा मेरा मानना है और मेरे बहुत सारी कॉल जो आज मेरी टीम से भी हुई थी तो उन्होंने कहा कि सर अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है तो ऐसी पॉजिटिव न्यूज पॉजिटिव रिव्यू मार्केट से है तो मैं लेना चाहूंगा किसी और व्यक्ति को और जानना चाहूंगा क्या ये बातें वो भी महसूस कर रहे हैं जो हम महसूस कर रहे हैं तो एक नाम हम और लेंगे जी यहाँ पे ये है हमारे साथ तेरी नाथ जी थे अभी ठीक है तेरी नाथ जी हमने आपको अनम्यूट परमिशन दी है तेरी नाथ कुंडू जी आप प्लेटिनियम है तो आप अनम्यूट कीजिए अपने माइक को और बताएं जरा कुछ क्या आप क्या महसूस कर रहे कल की न्यूज से तेरी नाथ जी शायद मीटिंग में नहीं चलिए अच्छा टाइम आठ बज के ग्यारह मिनट हो चुके हैं और आठ सौ तिरपन लोग हैं तो मैं जो बाद में लोग आए हैं उन्हें बता दूं सर ये सेशन सात बजे स्टार्ट होता है आठ बजे खत्म हो जाता है तो आप शायद इसलिए आठ बजे ज्वाइन हुए हैं क्योंकि आपको पता होगा कि आठ बजे मीटिंग स्टार्ट हो रही है तो आप कल से ध्यान रखिए मीटिंग्स का टाइम सात बजे कर दिया गया है तो प्लीज आप सात बजे एंटर हुआ कीजिए तो आपको प्रॉपर मीटिंग मिलेगी और खान साहब मेरे ख्याल से मीटिंग को हम बाइंड अप कर दें आठ बजे बारह मिनट हो चुकी है अगर आपकी इजाजत हो तो जी सागर साहब क्या कह रहे थे हेलो सर मैं कह रहा था मीटिंग को हम बाइंड कर दें अगर मीटिंग को, को, को बाइंड अप कर दें अगर आपकी इजाजत हो तो अरे सर आपको किसकी इजाजत लेनी है ओके सर ओके नो सर नो सर ऐसी बात नहीं ठीक है सर ऑल कम्युनिटी का मैं एक बार फिर वेलकम करूंगा वेलकम इसलिए कि आप लोगों ने आए अपना कीमती वक्त दिया मुझे सुना और खान साहब को सुना तो आप सभी का थैंक्स मेरी तरफ से मेरी टीम की तरफ से मेरे अप्लाइंस की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस मीटिंग को बाइंड अप करता हूँ जी ओके टाटा बाय बाय